हेलो एवरीवन, येलोस्टोन की ट्रिप बहुत टाइम से हमारी बकेट लिस्ट में थी, जो आज फाइनली जाके कंप्लीट हुई। हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत ग्रैंड कैनियन ऑफ येलोस्टोन से की। ये व्यूज़ आर्टिस्ट पॉइंट ओवरलुक से हैं, जो पार्किंग से थोड़े ही डिस्टेंस पे हैं। इस जगह की पेंटिंग देखकर ही यूएस कांग्रेस ने इसे 1872 में फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ यूएस डिक्लेयर किया। इसी लूप में आगे जाके हमने थोड़ी दूर पे येलोस्टोन रिवर का अपर फॉल ओवरलुक एंड लोअर फॉल ओवरलुक देखा। टाइम क्रंच की वजह से हमने इसके सभी ओवरलुक कवर नहीं किए, जिनके लिए थोड़ा बहुत हाइक भी करना पड़ता। येलोस्टोन रिवर का फ्लो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वीडियो के थ्रू आप ये थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप लमार वैली था, जो यहाँ से अराउंड 2 आवर्स की डिस्टेंस पे है। लमार वैली एनिमल वॉचिंग के लिए ही फेमस है। यहाँ ड्राइवे से ही हमें 2-3 बार ग्रिजली और ब्लैक बेयर दिख गए। इसे अमेरिका की सेरेंगेटी भी कहते हैं। यहाँ आके ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी शांत घाटी में आ गए हैं, जो वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। इनफैक्ट यहाँ आना काफ़ी एडवेंचरस हो गया, क्योंकि हमने साइन बोर्ड में रूट क्लोजिंग की वार्निंग मिस कर दी। पहले तो हम सब थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन फिर लगा चलो इसी बहाने इस वैली की थोड़ी ट्रेल कर लें। वहीं हमने यहाँ बैठे एनिमल वॉचर से भी बात की, जो सुबह से लेके रात तक यहीं पे बैठ के एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग वुल्फ पैक्स हंटिंग के बारे में ठीक नेशनल जियोग्राफिक चैनल की तरह मल्टीपल स्टोरीज बताई। रूट खुलते ही हमें वापस लौटते हुए हॉर्स के कुछ कैरेजेस टूरिस्ट को लेते हुए दिखे। यहाँ एक्टिविटी वाइज ऐसे काफ़ी पैकेजेस अवेलेबल हैं, एंड वी थिंक ये उन्हीं में से कुछ एक है। उसके बाद हम एक विजिटर सेंटर पे गए। यहाँ के विजिटर सेंटर भी बहुत अमेजिंग थे। बच्चों को एंगेज करने के लिए यहाँ पर एक जूनियर रेंजर प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमारी डॉटर ने पार्टिसिपेट किया एंड शी फाइनली गॉट हर बैच। डे 2 पे हमने वर्ल्ड फेमस ओल्ड फेथफुल एंड ग्रैंड प्रिज्मेटिक कवर किया। गाइजर्स के इरप्शन को टाइम करना मुश्किल है, बट ओल्ड फेथफुल हर 60-90 मिनट्स में इरप्ट होता है, और इसीलिए इसका नाम ओल्ड फेथफुल पड़ा। क्राउड के साथ इसके इरप्शन का वेट करना बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ओवरऑल यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। यहाँ के फूड कोर्ट में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग दी वेजिटेरियन ऑप्शंस, जो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में भी हैं। यहाँ का माहौल देखकर लगता ही नहीं जैसे आप किसी नेशनल पार्क के अंदर हो। इसके बाद हमने यहाँ की बोट वॉक करी, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये पूरा अपर गाइजर बेसिन बोट वॉक है। यहाँ विद इन 6 माइल्स वर्ल्ड के हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गाइजर्स हैं। नेक्स्ट हमने ग्रैंड प्रिज्मेटिक ओवरलुक ट्रेल की। यहाँ की पार्किंग काफ़ी टाइट है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी हो जाता है। ये वर्ल्ड का डीपेस्ट एंड बिगेस्ट हॉट स्प्रिंग है, जहाँ ग्रैंड प्रिस्मैटिक का बोर्ड वॉक एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसका हाई लेवल एंड गॉर्जियस व्यू देखने के लिए ये हाइक बहुत ही मस्ट है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही करने चाहिए, टू हैव बोथ द पर्स्पेक्टिव। ग्रैंड प्रिस्मैटिक मिडवे गाइजर में पड़ता है, और यहाँ की बोट वॉक ओल्ड फेथफुल के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल है। इसके कलर्स ऑन अ सनी डे बहुत ही स्पेक्टैक्युलर लगते हैं। ये कलर्स यहाँ पनप रहे अनेक किस्म के बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से हैं, जो इन हॉट कंडीशंस में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। हालांकि हमारे टाइम में बारिश की वजह से कलर्स उतने शार्प नहीं दिखे। लूप में थोड़ा आगे जाके हमने हेडन वैली कवर किया। यहाँ का रास्ता बहुत ही सीनिक और ब्रेथ टेकिंग था। मार वैली की तरह ये भी फेमस है एनिमल वॉचिंग के लिए। यहाँ हमने दूर से ही ग्रिजली बेयर विद इट्स कब, बाइसन और एल्क देखे। डे 3 में हमने येलोस्टोन पार्क का अपर लूप कवर किया, जिसमें मैमथ हॉट स्प्रिंग और अदर अट्रैक्शंस आते हैं। यहाँ लगभग 1 घंटा लग जाता है टू कवर दी अपर एंड लोअर बोर्ड वॉक।
यहाँ की फॉर्मेशंस एंड पैटर्न्स देख के ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही प्लैनेट में पहुँच गए हैं। इन पैटर्न को ट्रैविटाइन टेरेसेस कहते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग्स और लाइमस्टोन डिपॉजिशन की वजह से बने हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप गिबन फॉल्स था, जो कि वेस्ट गेट एंट्री से मैमथ हॉट स्प्रिंग जाते हुए रास्ते में ही पड़ता है। रेनी डे होने की वजह से ये व्यू पॉइंट्स और भी सीनिक एंड ब्यूटीफुल लग रहे थे। ये पॉइंट पार्किंग से इजीली एक्सेसिबल था। हमारा नेक्स्ट स्टॉप नोरिस गाइजर बेसिन था। तेज़ बारिश के चलते हमने थोड़ा टाइम इसके यूनिक विजिटर सेंटर में बिताया। ये येलोस्टोन पार्क का बहुत ही ओल्डेस्ट, हॉटेस्ट एंड मोस्ट डायनामिक एरिया है। इसके दो एरिया हैं, प्रोक्लीम बेसिन एंड बैक बेसिन, और दोनों को कवर करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। हमने ये एरिया रेन में ही कवर किया। म्यूजियम से पता चला कि ये एरिया येलोस्टोन पार्क का मोस्ट रिसर्च्ड एंड फ्रिक्वेंटली चेंजिंग है। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ गाइजर्स एसिडिक इन नेचर हैं, जो काफ़ी रेयर होता है। यहाँ पार्क का अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, विच इज़ 237 डिग्री सेल्सियस एट 326 मीटर्स बिलो द सरफेस रिकॉर्ड किया गया। यहाँ ओवरऑल वॉक करके बहुत मज़ा आया। यहाँ बाइसन्स ईजिली स्पॉट हो जाते हैं, मगर इनके बड़े झुंड के लिए लमार एंड हेडन वैली बेस्ट प्लेसेस हैं। येलोस्टोन के लैंडस्केप की खास बात यह है कि ये हर कुछ माइल्स में चेंज होता रहता है, और यहाँ आपको नेचर के सभी रंग दिख जाते हैं। आर्टिस्ट पेंट पॉइंट एक छोटा सा अट्रैक्शन अपर लूप में पड़ता है, जो हमारी आइटनरी लिस्ट में तो नहीं था, बट थैंकफुली हमने कवर किया और हमें ये बहुत अच्छा लगा। बारिश, थोड़ी ठंड और हॉट स्टीम, इन सब के बीच में यहाँ वॉक करने का कुछ और ही मज़ा था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमने मड वॉल्केनो लूप कवर किया। यहाँ हाई सल्फर कंटेंट की वजह से स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ काफ़ी पॉइंट्स पे बाइसन्स के हर्ड्स हॉट स्प्रिंग्स के किनारे बैठे मिल जाते हैं। Some tips based on our experience. Please comment below for any feedback and questions. Don't forget to like and subscribe to support us.